आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ If the sum of the squares of the distance of a point if the sum of the squares of the distance of a point from the three coordinate axis is 36, then find its distance from the origin. सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? तो लेट अस सपोज कि पॉइंट क्या है, लेट पी एक्स कामा वाई कामा जेड इज आवर पॉइंट, ओके, बी द पॉइंट, देन स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस गिवन है और आपको पता है कि ओ का जीरो 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 होता है. Yes, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट एल एम एन आपको दिया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, है ना? Yes, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट. तो जब भी कभी स्क्वायर का डिस्टेंस या पॉइंट निकालते हैं या उसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास में? ये हो जाएगी आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो टू टाइम्स हो जाएगा. ओके, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. ना 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 ना, आइए डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाती है? ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाती है. यस, है ना? Yes. इसी तरीके से जब आपका ये वाई जेड प्लेन में होगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगी. Yes, sir. इसी तरीके से जब ये जेड एक्स प्लेन में होगा तो क्या हो जाएगा? ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? Yes, sir. तो किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर दिया है, प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 36 दिया हुआ है, ठीक है? Yes. इसको हटा दे यहाँ से. ये क्वेश्चन ऐसा जिसमें अक्सर बच्चे गलत करते हैं क्योंकि वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखते हैं खाली, ठीक है? एक्चुअल में अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बन जाएगा ये. ओके, मतलब हम लोग उसको डायरेक्ट एक साथ अगर किसी भी मतलब अगर से थ्री डायमेंशन नहीं ले सकते हो, थ्री डी का मतलब आपका मतलब आप अपना रूम देखो, ठीक है? यस सर. रूम का सेंटर आपका ओरिजिन हो गया, उसमें ये कोई लाइन पड़ी हुई है ऐसे, तो सर दो ही एक्सिस आ पाएंगे एक टाइम? बिल्कुल, एक टाइम पे आप दो ही एक्सिस के टर्म में ले पाओगे, ठीक है? यस सर. बात समझ आ गई ना? यस सर. ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 2x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 36, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा?
18 बन जाएगा। ओके ये आपका क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सेस, क्या ये फ्रॉम द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सेस है ये। ओके यस, अब इसका ओरिजिन के साथ निकालना है, तो हमको पता है कि ओरिजिन के साथ डिस्टेंस क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और जेड स्क्वायर हो जाता है वो, है ना। यस ये था एक्सेस के रिस्पेक्ट में, तो हमने यहां से ये वैल्यू निकाल ली। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये बच्चा सही लिखता है, इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखता है वो, ठीक है। यस, ये हमको फाइंड आउट करना, देन फाइंड ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यही हमको फाइंड आउट करना था। अगर ऐसी चीज को हमने यहाँ पे भी लिख लिया होता तो निकलता क्या हमें, ठीक है। yes. और हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, अंडर रूट 18 दी हुई है, तो कितना हो जाएगा ये 3√2 हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसको अंडर रूट 36 करके इसको 6 इसका आंसर लिख के आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ये क्या दिया हुआ था, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस दी हुई है, कहां दी हुई है, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस दी हुई है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ओके यस ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन करना है, हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए सारे। This is of OP. OP को ध्यान से देखें तो P का क्या कोऑर्डिनेट है, A A A है ना। Yes sir. तो इसका लैम्डा के वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट कितना मिल जाएगा, रूट थ्री ए आ जाएगा, तो A कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बनता जाएगा ना, ये 1/3 ये आपका DC हो गया OP का, डायरेक्शन कोसाइन हो गया किसका, OP का। ओके ना डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए एल का कितना हो जाएगा, ए एल तो डिसीज ऑफ ए एल निकालना है अपने को, ये कितना हो जाएगा, देखो ये जीरो ए है, जीरो जीरो ए ए ए है ना, तो एक तरीके से आपका पहला माइनस हो जाएगा, बाकी दोनों सेम रहेंगे, सारा ए ए ही आएगा, है ना, तो 1/√3 आएगा, लेकिन पहले का साइन माइनस हो जाएगा। सर रूट थ्री क्यों लेंगे हम लोग, बेटा x2 - x1 आपका dr हो जाएगा ना। यस सर, al का dr कितना हो जाएगा, 0 - a, a - 0 एंड a - 0, तो dr इसका माइनस ए ए एंड ए हो जाएगा, है ना, होगा सर। पर ये जो l के कोऑर्डिनेट है वो तो 0 a और a है, और ओरिजिन तो 000 है, तो सर x कोऑर्डिनेट तो 0 नहीं हो गया, ये क्या पॉइंट लिखा हुआ है, a l लिखा हुआ है, o a या o l नहीं लिखा हुआ है, ये यस सर, ठीक है। माइनस ए ए अगर आपके डीसीज हो तो लेमडा के वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी ना, इन तीनों का स्क्वायर, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, 1/√ इसका स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर, प्लस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर, ये √3 a आ जाएगा, आ जाएगा। यस आपके एलिमेन क्या मिल जाएंगे, एल की वैल्यू माइनस ए बाई रूट थ्री ए, ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/√3 मिल जाएगा। yes. इसी तरीके से एम क्या मिल जाएगा, ए बाई 1/√3, एन बाई रूट थ्री मिल जाएगा। ओके यस तो ये -1/√3,
वन बाई रूट थ्री एंड वन बाई रूट थ्री हो जाएगा ए एल का। इसीलिए डी सी या बी एम, डी सी डायरेक्शन को साइंस, ओके आप बी एम निकालना है तो डी सी या बी एम क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये देखो ये बी है ये एम है ना, ये भी डायगोनल, ये ए जीरो ए है, ये जीरो ए जीरो है, तो इसका भी आपका ए माइनस ए ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए माइनस ए माइनस ए आ जाएगा, है ना। सर दो बार माइनस आएगा, एक बार माइनस आएगा, ये एक्स टू ए माइनस जीरो ए हो जाएगा, जीरो माइनस ए माइनस हो जाएगा, बी एम है, एम से बी को माइनस करना है, तो वन बाई रूट थ्री हो जाएगा, माइनस वन बाई रूट थ्री हो जाएगा एंड प्लस वन बाई रूट थ्री हो जाएगा, ये ठीक है। यस सर। और कौन सा बच्चा, डी सी सी एम, सी आपका जीरो जीरो ए है एन आपका ए ए जीरो है, तो देखो सी एन है तो इसका भी आ जाएगा प्लस प्लस माइनस हो जाएगा एक, है ना। यस वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम डीसीज लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट लाइन का, अगर वो पॉइंट दिए हुए हैं उनके कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उनके डीसी हम आसानी से लिख सकते हैं, है ना। ओके हमने डीसीज निकाल लिया। नाउ लेट अस सपोज कि देयर इज अ लाइन होज डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, ओके इसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, ठीक है, जो कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बनाती है विद दीज फोर डायगोनल्स। इन एक लाइन है जिसका डीसीज एल एम एन है, इसके साथ में एंगल अल्फा बनाती है, इसके साथ में एंगल बीटा बनाती है, इसके साथ में एंगल गामा बनाती है, इसके साथ में एंगल डेल्टा बनाती है। दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, ओके। ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब so that cos square alpha cos square beta cos square gamma cos square delta equal to 4 by 3, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, okay? Yes sir। तो ये हमारे lines के दिए हुए हैं, तो let the line has DCs L M N। तो हमको पता है दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है कास, ठीक है, उसका कोसाइंस जो होता है एल वन इंटू एल टू प्लस एम वन इंटू एम टू प्लस एन वन इंटू एन टू हो जाता है, पता है ना। यस तो देन मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा अब इसको, ध्यान रखना कि हमें कास अल्फा मीन्स ओपी एंड दिस लाइन के बीच में, कास बीटा ओपी एंड दिस लाइन के बीच में, डेल्टा ओपी एंड दिस लाइन के बीच में एंड ओपी एंड दिस लाइन के बीच में, तो एल एम एन से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है हमें, देखते हैं तो क्या बन जाएगा, ये कॉस अल्फा इक्वल टू ओपी इनटू एल एम एन, मतलब दोनों के एल एल एम एम एन एन को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, ये वन बाई रूट थ्री था तो एल बाई रूट थ्री हो जाएगा, ओके ये वन बाई रूट थ्री तो एम बाई रूट थ्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एन बाई रूट थ्री हो जाएगा, ओके ठीक है। यस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहीं से निकाल लेते हैं कास स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा वन बाई थ्री एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर बन जाएगा। सर एक तो हमने उसके लाइन की जो डायरेक्शन को साइंस ने एल एम एन माना, हाँ, और सर जो एल वन एल टू एम दो लाइन होती है, यस एल वन एम वन एन वन, एल टू एम टू एन टू, है ना। Yes, अगर इनके बीच एंगल थीटा हो तो कास थीटा कितना होता था सर, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, ये होता था,
यहाँ पे पहले क्या कास अल्फा के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये ओपी दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, ओपी दिया हुआ है, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, हमने एक लाइन कोई ली हुई है, ठीक है, yes, जिसके डायरेक्शन को साइंस एल एम और एन है, ये इससे एंगल अल्फा बनाती है, तो कास अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल इन टू दिस, यही हुआ ना, यस सर, यही हुआ ना, यस सर, इस तरीके से हमने कॉस अल्फा से एल एम एन एल प्लस एन बाई रूट थ्री था, तो यहाँ पे जिस जिस पे पॉइंट पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, yes, तो बाकी के उस पॉइंट पे एल एम एन और माइनस आता जाएगा, तो माइनस एल प्लस एम एन, एल माइनस एम प्लस एन, एल प्लस एम माइनस एम हो जाएगा, ठीक है, yes, अब इन चारों को ऐड कर लो, इनको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, नहीं मिलेगा cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equal to से 1 by 3 common ले लेंगे और फिर ये सब ऐड लिखेंगे, ये l प्लस m प्लस n का स्क्वायर है, माइनस l प्लस m प्लस n का स्क्वायर है, प्लस l माइनस m माइनस n का स्क्वायर है, प्लस l प्लस m माइनस n का स्क्वायर है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है अपने को, वो सिर्फ आपको l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वाले टर्म मिलेंगे, क्योंकि बाकी जो एल एम एन एन और एन एल वाली टर्म है वो चूंकि एक एक टर्म इसमें माइनस है तो अल्टरनेटली वो कटता जाएगा, वो कट जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4/3 और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/3 आपका आंसर हो जाएगा, यही हमको प्रूव करना था, ओके, Yes. कभी भी ये सारे टर्म स्क्वायर में दिए हो इस तरीके से चार बार, और आपको अल्टरनेटिव साइन में प्लस माइनस दिखे, देखो यहाँ से आपको माइनस एल एम माइनस एन एल मिल जाएगा, है ना, yes. यहाँ से माइनस एल एम माइनस एम एन मिल जाएगा, यहाँ से माइनस एल एन माइनस एम एन मिल जाएगा, ठीक है, yes, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का टर्म वही बचेगा आपका, तो 4 टाइम्स बचेगा तो 4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया, देखो कैसे करेंगे, एक्सक्यूज में करके देखता हूं, कंडीशंस दी हुई हो कभी भी तो ये कंडीशन आपको नहीं दी जाती है, ये आपको याद रखना है एलिमेंट के लिए, ओके, और एन की वैल्यू देखते हैं पहले कैसे करें इसको सिस्टमेटिक तरीके से कि सारी वैल्यूज आ जाए, तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इक्वेशन, ये आपका लेट्स सी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इनकी हेल्प से हमें एल एम एन की वैल्यू चाहिए और फिर टू लाइंस की वैल्यू चाहिए हमको, तो पहले मैं 2 और 3 को सॉल्व करूंगा, तो 2 से क्या मिल जाएगा हमको, देखो एल प्लस एम इक्वल टू माइनस एन मिल जाएगा, है ना, और 3 से क्या मिल जाएगा हमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर मिल जाएगा, हमको पता है कि एन है तो एन का स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ही मिल जाएगा ना, ये ऊपर एल प्लस एम का होल स्क्वायर लिखते हैं, हाँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो एन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, माइनस
एल प्लस एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस, इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये बन जाएगा टू एल स्क्वायर प्लस एम, इसको ओपन कर लो कितना आ जाएगा देखो। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एल एम आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये एल माइनस एम का होल स्क्वायर। तो इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा एल माइनस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो बन जाएगा, है ना। दिस इम्प्लाइज एल माइनस एम इक्वल टू जीरो मीन्स एल इक्वल टू एम हो जाएगा। ओके तो इक्वेशन टू और थ्री हमको क्या दे दिया, एल इक्वल टू एम दे दिया। ओके और इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री क्या देगा अपने को देखो, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री से क्या मिलेगा हमको, तो यहां से देखो क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एन स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो ये इसी में लाके पुटअप कर दो, ये टू हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन माइनस एन स्क्वायर हो जाएगी ना, एन माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। टू वन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू इसमें लाके पुटअप कर दिया हमने, ठीक है। Yes. ये कितना बन जाएगा, टू बन जाएगा माइनस थ्री एन स्क्वायर बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज एन इक्वल टू कितना बन जाएगा, टू बाई थ्री प्लस माइनस अंडर रूट टू बाई थ्री बन जाएगा, है ना। ओके अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में एन की वैल्यू पुटअप करके एल की वैल्यू निकाल लो, तो एल इक्वल टू एम हमको पता है, इक्वेशन टू से निकालते हैं बन जाएगा 2l इक्वल टू माइनस एन, क्या बन जाएगा 2l इक्वल टू माइनस एल इक्वल टू माइनस एन बन जाएगा, ठीक है। l इक्वल टू कितना बन जाएगा यहां से माइनस एन की वैल्यू हमारे पास हमको पता है कितना, प्लस माइनस टू रूट बाई थ्री दिया हुआ है, कितना दिया है प्लस माइनस टू रूट बाई थ्री, तो ये माइनस प्लस या प्लस माइनस जो भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, टू बाई रूट थ्री है, यह है टू एल इक्वल टू, एल इक्वल टू कितना बन जाएगा वन बाई रूट सिक्स बन जाएगा, प्लस माइनस वन बाई रूट सिक्स बन जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ये, माइनस प्लस लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं उसे, माइनस प्लस माइनस प्लस उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके अब जो L की वैल्यू होगी वही M की वैल्यू होगी और N की टू वैल्यूज है हमारे पास में, है ना। Yes. तो L मिल गया, यही हमारा M हो जाएगा, तो हमें L, M, N तीनों की वैल्यू पता चल गई है, तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं लाइन की क्या क्या हो जाएगी। लेट्स L की वैल्यू वन बाई रूट सिक्स है, M की वैल्यू भी वन बाई रूट सिक्स हो जाएगी, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट टू बाई थ्री हो जाएगी, है ना। सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, वन बाई रूट सिक्स, वन बाई रूट सिक्स माइनस रूट टू बाई थ्री हो जाएगी एल एम एन की वैल्यू, या आर माइनस वन बाई रूट सिक्स हो जाएगा, माइनस वन बाई रूट सिक्स हो जाएगा, रूट टू बाई थ्री हो जाएगा, और इसकी वैल्यू माइनस वन बाई रूट सिक्स हो जाएगी, माइनस वन बाई रूट सिक्स हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस रूट टू बाई थ्री हो जाएगी, पूरे में रूट रहेगा। तो चाहे ये सेट ले लो आप और चाहे ये सेट ले लो, ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी। भी तो बन सकते हैं कि वन बाय रूट सिक्स हो जाए एक जगह, एक में माइनस हो जाए और एक में, तो मतलब भी तो काफी सारे बन सकते हैं। क्या बन जाए, क्या बन जाए, से बोलो जरा। फिर वन बाय रूट सिक्स बने माइनस वन बाय रूट सिक्स नहीं बन सकता, क्योंकि जो वैल्यू एल की होगी वही वैल्यू एम की होगी, एल इक्वल टू एम है, जो भी वेरिएशन होगा सिर्फ एन के साथ में होगा, प्लस माइनस
एल और एम में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। जो तीन नंबर हो दो सेम हो, वेरिएशंस पॉसिबिलिटी टोटल चार, ठीक है। या तो ये सेट मिलेगा आपको या तो ये सेट मिलेगा आपको, ओके। तो दोनों में से चाहे जो भी सेट ले लो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के बीच का एंगल निकाल लो, यही निकालना था हमको। हटा दें इसको, तो कॉस थीटा कैसे निकालते हैं? दो लाइन क्लिक करेंगे, L1 N2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 का निकाल मॉड्यूलस। लो। दोनों में से कोई वैल्यू लोगे एंगल सेम आएगा ना। ये तो चार वैल्यूज हैं। चार वैल्यूज क्यों, लाइन तो दो ही होगी। ये लाइन पहले लाइन की होगी वैल्यू, ये दूसरी लाइन की वैल्यू होगी, ये दोनों वैल्यू आपकी एक साथ होंगी ना, ये दोनों पेयर। आप इन पेयर को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। यस सर, तो पहले ऊपर वाले दोनों से निकाल लो और फिर नीचे वाले हाँ, तो दोनों दोनों सेम ही आएगा। तो cos थीटा इक्वल टू L1 L2, ये 1/√6, 1/√6 है आपका, तो 1/6 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा। और ये प्लस और माइनस है ना, ये माइनस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। से। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये? -1/3 आएगी cos थीटा की। -1/3 हो जाएगी। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका, कॉस इनवर्स -1/3, ठीक है। दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइंस होज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाई L+M+N इक्वल टू 0 एंड 2L² + 2M² - N² इक्वल टू 0 एंड ऑब्वियसली L² + N² + N² इक्वल टू 1, ओके। देखो आपके पास तीन अननोन है, L M N है, तो आपको कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए होंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन आपको दी नहीं गई थी, आपको खुद से लिखना था, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, ओके, एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। एक वेक्टर दिया जाएगा, उसके पैरेलल लाइन होनी चाहिए और एक पॉइंट से पास करनी चाहिए वो, ठीक है, ओके। नाउ देखते हैं कैसे बन सकता है इक्वेशन ये वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में। तो सबसे पहले कोई वेक्टर लेट, जो पॉइंट है वो ए है, वेक्टर बी है, ठीक है। तो लेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, है ना, क्योंकि पैरेलल टू लेमडा क्या है, पास कर रहा है पॉइंट ए से, ओके। ए प्लस लेमडा बी, ठीक है, ओके। तो हम आर को क्या लिख सकते हैं, आपका जो पॉइंट है ए, ठीक है, हेलो, ये जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर रही हो तो ए की जगह पे 0 हो जाएगा, अब सिर्फ इक्वल टू लेमडा बी बन जाएगा ये, ठीक है, बात हो गई। इन पर्टिकुलर, द इक्वेशन ऑफ लाइन
अच्छा एक चीज और, मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, जो लाइन लिख रहा हूँ मैं, तो मैं स्ट्रेट लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, क्या हो जाएगा ये, आर इक्वल टू लैम्डा बी, और बी इज अ वेक्टर, ओके। इसका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में इसी इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, जो आपका पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, लेट दिस इज एक्स वन वाई वन जेड वन, है ना। अब वेक्टर बी ही रह जाएगा, कोई उससे इशू नहीं है, ठीक है। तो जो लाइन का इक्वेशन होता है वो बन जाता है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ठीक है। वेयर ए एंड बी एंड सी आर पार्ट ऑफ वेक्टर बी, कैसे, वेक्टर बी इज गिवन एज ए आई बी जे एंड सी के, ठीक है। ठीक है। अब इसी फॉर्म में x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस का अगर इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, तो x एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा, x एक्सिस हमारे पास में इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, 1,0,0,0, है ना। और x माइनस आई बाई ए, y माइनस वाई बाई बी, z माइनस वाई सी, ये क्या हमारे पास, ठीक है। तो x एक्सिस का इक्वेशन कितना हो जाएगा, अगर वो जो x y z एक्सिस कहां से पास होते हैं, ओरिजिन से पास होते हैं ना, यस। x माइनस जीरो बाई वन इक्वल टू y माइनस जीरो बाई जीरो इक्वल टू z माइनस जीरो बाई जीरो, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू जीरो, है ना। ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा एक और बात इसमें, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो लिख लो यहीं पे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये इक्वल टू लेमडा लिख सकते हैं, एक पैरामीटर कांस्टेंट ले लिया कोई, है ना। x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, x1 प्लस लैम्डा ए, है ना, y1 प्लस लैम्डा बी, z1 प्लस लैम्डा सी, है ना। लैम्डा के अकॉर्डिंग वो पॉइंट चेंज होता रहेगा, तो किसी भी पॉइंट जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस लैम्डा ए, y1 प्लस लैम्डा बी, z1 प्लस लैम्डा सी, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा, अगर ओरिजिन से जा रही है ये हो जाएगा, अगर किसी पॉइंट ए से जा रही है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, जहां पे x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहां से पास हो रही है, ए बी सी क्या है, डी आर आप तक गिवन वेक्टर है, ओके। यस
ये हो गया एक गिवन वेक्टर, एक पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर दो पॉइंट दिए हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, थ्रू टू गिवन पॉइंट्स क्या हो जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन आपका? इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा आर इक्वल टू पॉइंट ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। अब यहां पे बी माइनस ए कौन सी वाला है? देखो ध्यान से, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है ना? यस है ना। अब बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा? वो इस लाइन की बात कर रहा है कहीं, है ना? यस, ये वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले वाला वेक्टर फॉर्म में है ये, ठीक है। तो ये इस लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या बन जाएगा? ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं होगा, जैसे पहले लिखा तो वैसे ही लिखेंगे, बस जो डीआर से दो पॉइंट है वो हमें क्या हो जाता है, दो पॉइंट का डीआर एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाता है ना? वाई माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। बस हमको ध्यान रखना है कि एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन क्या होते हैं? डी आर होंगे। किसके डी आर होंगे? बी माइनस ए के, है ना? आइए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू, इसको भी लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कॉमन पॉइंट निकालना होगा तो लैम्डा के टर्म में इसको भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं। The Cartesian equation of a line are 6x minus 2 equal to 3y plus 1 equal to 2z minus 2. Find its dr, direction ratios, and also find a vector equation of the line. ठीक है, तो हमको पता है कि हाँ जो गिवन लाइन क्या है, 6x माइनस 2, 3y प्लस 1,
टू जेड माइनस टू, और हमको पता है कि क्वेश्चन ऑफ लाइन कैसे होता है, सर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए प्लस वाई, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, ठीक है, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, है ना। इन सब में देखो ध्यान से, तो एक्स वाई और जेड का जो कोफिशियंट है वो वन है, ठीक है, इन सब में इसका कोफिशियंट वन नहीं है। सबसे पहले इसका कोफिशियंट वन बनाएंगे हम, तो कैसे हो जाएगा ये, एक्स माइनस वन बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा अपना बाय सिक्स हो जाएगा ना, एक्स माइनस वन बाय थ्री अपॉन वन बाय वन बाई थ्री बाई सिक्स। हम पूरे इक्वेशन को ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं, पूरे इक्वेशन को हम क्या करने जा रहे हैं, हम अगर हमें वन बनाना है इसको एक्स के कोफिशिएंट को, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से सिक्स कॉमन लेना पड़ेगा, सिक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ थ्री कॉमन ले लो तो वाई प्लस वन बाई थ्री हो जाएगा ये, यहाँ टू कॉमन ले लो तो जेड माइनस वन हो जाएगा, है ना। अब ये भी हमें खत्म करना, तो इसका एलसीएम सिक्स है, पूरे इक्वेशन को सिक्स से डिवाइड कर दो, एक्स माइनस वन बाई थ्री सिक्स से डिवाइड करेंगे तो खाली वन बचेगा, वाई प्लस वन बाई थ्री सिक्स से डिवाइड करेंगे तो टू बचेगा, जेड माइनस वन सिक्स से डिवाइड करेंगे तो थ्री बचेगा, है ना, ठीक है। Yes. ये इक्वेशन ऑफ लाइन बना। अब इसमें x1 इक्वल टू कितना है आपके पास में, वन बाई थ्री है, y1 इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री है, z1 इक्वल टू वन है, वन है, a इक्वल टू वन है, b इक्वल टू टू है, c इक्वल टू थ्री है, तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, ए का मतलब हो गया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेक्टर, तो वन बाई थ्री आई, एक्स माइनस थ्री ठीक है, वन बाई थ्री आई, माइनस वन बाई थ्री जे प्लस के, ये वेक्टर ए बन गया। अब प्लस ए कांस्टेंट लैम्डा, इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ठीक है, ये बन गया आपका वेक्टर बी, ये बन गया पॉइंट ए, ए एंड बी, दिस इज योर आंसर इन फाइंड इट डायरेक्शन रेशियोस डीआरस। तो डीआर हमने निकाल लिया सबसे पहले, और उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकाल लिया। डायरेक्शन रेशियोस हम एबीसी वालों को बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ। ये ठीक है। ये आपके डीआर हो जाए, क्योंकि पता है कि टू पैरेलल लाइंस के डीआर सेम होते हैं ना, टू पैरेलल लाइन के डीआर सेम होते हैं ना, ओडीसी सेम होते हैं और डीआर भी सेम होते हैं, ठीक है, तो ये आपका डीआर हो जाएंगे, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी लाइन दी हुई हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना है कि x, y और z के जो कोफिशिएंट हैं वो वन होने चाहिए, कितने वन होने चाहिए, ठीक है। अब उस फॉर्मेट बनाओगे अपने आप लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज द
कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू वाई प्लस वन बाई माइनस टू इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन फाइव. Find the vector equation of the line. ये तो इजी है. पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे? ए थ्री माइनस वन एंड थ्री है ना. अब वेक्टर बी क्या दिया हुआ है? टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप. माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप. तो लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा? थ्री आई माइनस जे प्लस थ्री के प्लस थ्री के प्लस लैम्डा साइन टू आई माइनस टू जे प्लस फाइव के. ठीक है. चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे. ए लाइन पासेस थ्रू A line passes through the point with position vector two y minus three j plus four k and is in and is in the direction of three i plus four j minus five k. Find the find the equations of vector and Cartesian form. माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप. ठीक है. इसमें कुछ करना नहीं था हमको, सिर्फ खाली इक्वेशन को लिख देना था ना. यस सर. और सर कार्टेशियन फॉर्म में एक्स माइनस टू बाय थ्री इक्वल टू वाई प्लस तो आर इक्वल टू बन गया टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के प्लस लेमडा थ्री आई प्लस फोर जे माइनस फाइव के. ठीक है. कार्टेशियन फॉर्म में क्या बन जाएगा ये? तो ये आपका पॉइंट टू माइनस थ्री एंड फोर है. एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस फोर बाई थ्री हो जाएगा ये ना, बाई फोर हो जाएगा बाई माइनस फाइव.
ये फाइव के ये ठीक है।